वो सर पे एक सेब गिर गया है, फिर उसने, और न्यूटन बड़ा आदमी था, न्यूटन का दिमाग अलग ही था। हाँ, तो फिर हम लोग ये सब नहीं कर रहे होते। वेल, तो जब वो गिरा तो उसको ये पता लगा कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, तो वहां से उसने स्टडी शुरू करी। जो उसने पहली चीज समझी वो ये समझी कि इस दुनिया की हर वो चीज जिसमें मास है, इस दुनिया की हर उस चीज को जिसमें मास है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। इट इज लाइक कि अगर मैं यहां पर हूं तो मैं यहां पर खड़ा खड़ा डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल। और खुशी की बात यह है कि वो भी मुझे अट्रैक्ट करती है सेम फोर्स से, सेम फोर्स। कैटरीना कैफ मुझे अट्रैक्ट कर रही है और मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं इस दुनिया में। ऐश्वर्या भी कर रही है, मैं तुम लोगों, मैंने कभी बताया नहीं अपने मुंह से क्या तारीफ करता मैं। तो इट इज लाइक कि इस दुनिया की हर वो चीज जिसमें मास होती है, इस दुनिया की हर वो चीज, मैं बोल रहा हूं दुनिया कहीं भी हो, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। हेरिंग डालिए, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है लॉ? कि अगर कोई मास है m1, कोई दूसरा मास है m2, इस दुनिया में कहीं पर भी रखा हो, और अगर उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को मैं बोल देता हूं f21। f21 को बोलते हैं ऑन टू ड्यू टू वन, दो पर लगने वाला फोर्स किसके द्वारा? वन के द्वारा। और दो वाला इस पे भी फोर्स लगाएगा F12, क्योंकि फोर्स कभी भी सिंगल नहीं लगता, फोर्स हमेशा पेयर में लगता है, ठीक है? ओके, अब ये दोनों फोर्सेस की बात करें या सिंपल कोई फोर्स की बात करें, मैं यहां नहीं जाऊंगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। हर वो फोर्स जिसमें ये फॉर्मेट आता है हम कहते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लगता है ये। अब बात ये हो रही है कि अगर मैं यहां पर इवांका को अपनी तरफ खींच रहा हूं, कैटरीना को अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो ये दोनों चिपक क्यों नहीं जाती? सबसे बड़ी बात है, वजह है ये, यही मेरी मोहब्बत की दीवार है। इसका मास, इसकी जो वैल्यू है वो 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये फोर्स इतना कम है ना, कम बखत कि कुछ नहीं हो रहा है, बट स्टिल मैं उसको खींच रहा हूं। अब मैं और बातों पे जाऊंगा, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए बोला क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती नहीं, पानी में चले जाओ, पेट्रोल में चले जाओ, हवा में चले जाओ, वैक्यूम में चले जाओ, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। राइट ऑन। आइए इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, कहता है कि ये जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग लगता है। ऐसा नहीं कि M1 M2 पे इधर फोर्स लगा रहा है, नीचे लगा रहा है, नहीं, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके लिए इसने भाई डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन के लिए यूनिट वैक्टर का यूज करेगा, तो इसने यूनिट वैक्टर का यूज करा आर कैप। और कहता है आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। कि ठीक है, डायरेक्शन बताओ, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द मासेस, एक ऐसी लाइन जो दोनों मास को जोड़ती है, इस मास इस लाइन के अलोंग होगा, या इधर या इधर। अब जैसे मैं बोलूं F21,
एफ टू वन होगा जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है ना। इसको मैं बोल देता हूं आर, कोई भी दे दू माइनस आई कैप दे देता हूं इसको मैं, तो यहां लिख दूंगा माइनस आई कैप। ये वाला इस वाले पे कितना फोर्स लगाता है, आई कैप। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, यानी कि F12 दिख तो रहा है ना तुम्हें, हाँ, माइनस ऑफ F21। क्या लग रहा है आपको, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, लिख लीजिए ये सब। हाँ रोटेट करता है वो। एक क्वेश्चन देता हूं, लिखिए व्हाट इज करेक्ट फॉर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, एंड योर ऑप्शंस आर व्हाट इज करेक्ट फॉर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ एंड योर ऑप्शंस आर चले, क्या सही है एबीसीडी में से। तो जो आपने पढ़ा है वो ये है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यही है, ये तो ऑप्शन में नहीं है। बट आप मुझे बताइए यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वैल्यू पुट अप करो। क्या लग रहा है, क्या फायदा वेक्टर पढ़ने का, आइए वजह क्या है, है भाई अर्णव, जब कैटरीना कैफ को मैं अपनी तरफ आकर्षित कर रहा तो क्यों नहीं आती है मेरे पास, तो अरे तो जी तो कम है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आएगी तो सही, टाइम लगाएगी ना, खिंच तो रही है, अब तक कुछ तो आ जानी चाहिए थी। कौन सा फ्रिक्शन, अब पैदा पैदा घसीटती है तो फ्रिक्शन लगता है टेंशन हो रही है उसको दिमाग में, रस्सी से बांध रखा है सैफ अली, क्या नाम उसका, सलमान ने उसको, ग्रेविटेशन फोर्स ही है जो अट्रैक्शन में लग रहा है। आप एक चीज गलत कर रहे हैं मम्मी, धरती मैं यहां पर हूं, कैटरीना क्या यहां पर है, और अर्थ का मास है 10^21 किलोग्राम, तो अर्थ मुझे खींच रही है इस फोर्स से, जी मेरा मास, बॉय का मास और अर्थ का मास, और हम दोनों के बीच की डिस्टेंस 64 किलोमीटर का स्क्वायर, और कैटरीना कैफ को भी ये खींच रही है, जी कैटरीना का मास और अर्थ का मास अपॉन 64 किलोमीटर 6400 किलोमीटर, ये रेडियस अर्थ की होती है। तो अर्थ का मास देखिए, मैं इसके सामने कितना हूं, ज्यादा ज्यादा 65 किलो का आदमी, मैं इसको उतना खींच ही नहीं पाता जितना अर्थ इसको खींच रही है। अर्थ का फोर्स मेरे 10^21, आपको पता भी है क्या चीज है ये, 21 जीरो लगा दो, इतने ही फोर्स से अर्थ इसको खींच लिए, इसीलिए मेरे पास नहीं आ पा रही है। अगर अर्थ का मास कम हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, तो ये मम्मी का कमाल है, है बेटा। हाँ बोल, नहीं यही बोलना था। हाँ तो फोर्स, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी,
देखो ग्रेविटेशन फोर्स कब कहते हैं, जब दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अगर उसमें से एक बॉडी अर्थ है तो उस ग्रेविटेशन फोर्स को हम ग्रेविटी कह दिया करते हैं, कि इसको कौन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ है, अर्थ के अलावा कोई और होगा तो हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो ध्यान रखना, मेरी मोहब्बत में दीवार कौन बन रहा है रास्ते में, ये। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन लिखिए। एक ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल, इसका मास m, ये मास m, ये मास m, तीनों के बीच की डिस्टेंस है a, इक्विलेटर ट्राइंगल। फाइंड द फोर्स ऑन एनी मास, फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी मास। जल्दी कीजिए। चलिए देखिए, कुछ बातें मैं याद करा देता हूं आपको। वेक्टर, अगर दो फोर्सेस थीटा एंगल पर लगते हैं तो नेट फोर्स जो आता है वो आता है 2f cos θ/2। और जब ये थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होती है तो एफ नेट होता है एफ, अगर थीटा 90 डिग्री जाता है तो एफ नेट आता है √2f, और जब थीटा 60 डिग्री आता है तो एफ नेट आता है √3f। वेक्टर का लेक्चर आज भी मेरे पास यूट्यूब चैनल पर है तो आप देख सकते हैं। और ये जो फोर्स आता है इनके θ/2 पर आता है। क्लियर? मैं इस फोर्स इसको मैं इसको मानता हूं कि मुझे इस पे फोर्स निकालना है, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? ये फोर्स इधर लगाएगा जिसकी वैल्यू आएगी जी m1 m2 अपॉन ए स्क्वायर, ये भी लगाएगा इधर की तरफ जिसकी वैल्यू आएगी जी m1 m2 अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं इसको f कह दूं तो इसको भी क्या कहूंगा, f। यानी कि अब ये हो गया कि इस बॉडी पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, f और f, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पे। तो नेट फोर्स कितना आएगा, √3 f। हाँ, और एफ की वैल्यू, अच्छा फिर ठीक है, तेरी मजबूरी समझ गया मैं, तेरा दुख समझ गया। वो किधर आएगा, एट 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर। ठीक है, दिस इज द नेट फोर्स। अभी स्क्वायर में रखें, अब करो जरा एम मास ए डिस्टेंस पर, करना निकालना, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी मास। इस पे निकालना है कौन खींच रहा है इसको, ये खींच रहा है, किधर खींचेगा, इधर। फोर्स कितना है, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर, इसको मैं कह देता हूं एफ, ये भी खींचेगा ऊपर, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर, इसको क्या कह दूंगा, एफ बस। और ये नहीं खींचेगा, इस दुनिया का हर मास दूसरे मास को खींचता है, तो ये भी इसको इधर की तरफ खींचेगा, जी एम एम। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, √2a, इसका स्क्वायर करो, जब मैं जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को एफ बोल रहा हूं तो इसको क्या बोलूंगा, f/2। जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैं एफ बोलूंगा तो ये f/2 हो गया। आप देखिए, अब एक फोर्स एफ, एक फोर्स एफ और एक फोर्स f/2, ये 90 डिग्री का एंगल। एफ और एफ का रिजल्टेंट कितना आएगा, √2f, और कहां पर आएगा, इसके 45 डिग्री पर, यानी कि इसके ऊपर। और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, √2f + f/2। f को कॉमन ले लीजिए, √2 + 1/2, और f की वैल्यू रख दीजिए जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, √2 + 1/2 न्यूटन। दैट इज योर आंसर।
रॉड है, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर एक 2 किलो की बॉडी रखी है, 10 मीटर, और आपको बताना है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, कि ये रॉड इसको किससे खींचेगी या ये इसको किससे खींचेगी। फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ रॉड ऑन मास एम। ये ट्राई करना घर पे, फिर आगे कहानी आपको नेक्स्ट क्लास में सुनाते हैं।